90 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार गोविंदा पिछले कुछ सालों से बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक साल में 34 फिल्में करने वाले गोविंदा के पास आज एक भी फिल्म का ऑफर नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा सलमान खान से इतनी नफरत करने लगे? आज आपको सलमान और गोविंदा की उस दोस्ती के बारे में बताएंगे जो नफरत की आग में जलकर सुहा हो गई। 90 के दौर में सलमान फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि गोविंदा हिट पर हिट फिल्में दिए जा रहे थे। गोविंदा तब इतने तैश में रहते थे कि लोग उनसे बात करने में भी घबराते थे। साल 1997 में गोविंदा जुड़वा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। एक रात सलमान ने उन्हें फोन किया और कहा कि इस फिल्म से आप हट जाओ और मुझे यह रोल दे दो। गोविंदा ने खुशी खुशी ये फिल्म छोड़ दी, लेकिन जब ये फिल्म हिट हुई तो गोविंदा को बड़ा पछतावा हुआ। साल 1999 में रिलीज हुई बीबी नंबर 1 में पहले गोविंदा काम कर रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर उनका सुष्मिता सेन से झगड़ा हो गया और इसी गुस्से में गोविंदा ने फिल्म छोड़ दी। इस फिल्म को सलमान ने कैच कर लिया और किस्मत तो देखिए, फिल्म सुपरहिट हो गई। इस बात से गोविंदा काफी जल भुन गए और उन्होंने सलमान से बात करना बंद कर दिया। अपने करियर की ऊंचाइयों पर गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। फिल्म हनी है तो मनी है की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने एक शख्स को चांटा मार दिया और बस यहीं से उनका बुरा दौर शुरू हो गया। गोविंदा को फिल्म में मिलना बंद हो गए। तब गोविंदा ने राजनीति छोड़कर फिर से बॉलीवुड पर फोकस करना शुरू कर दिया। उस बुरे वक्त में सलमान ने गोविंदा की बहुत मदद की। गोविंदा ने कमबैक के लिए पार्टनर फिल्म साइन कर ली। इसमें उनके साथ सलमान ने काम किया। हालांकि ये फिल्म गोविंदा ने अपने लिए की थी, लेकिन इससे फायदा सलमान को हुआ। इस वजह से गोविंदा और सलमान के बीच दूरियां और बढ़ गईं। गोविंदा चाहते थे कि उनकी बेटी टीना को सलमान अपनी फिल्म दबंग से लॉन्च करें, लेकिन सलमान ने ऐसा करने से मना कर दिया और टीना की जगह फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा को ले लिया। इसके बाद गोविंदा की नफरत और बढ़ती गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंदा ने आरोप लगाया कि सलमान बॉलीवुड पर अपनी धौंस दिखाते हैं, उनकी बिना मर्जी के कोई फिल्म रिलीज नहीं होती। इस घटना के बाद गोविंदा और सलमान का कमजोर रिश्ता भी टूट गया। तब से अब तक दोनों फिर कभी साथ नजर नहीं आए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।